बरेली में इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बड़ी बिहार स्थित श्री पीसी आजाद इंटर कॉलेज से दो माह पूर्व अगवा हुई नाबालिग लड़कियों को तलाश करने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। वहीं अब इसकी आवाज़ करनी सेना ने उठाई है। दो माह पूर्व इज्जत नगर क्षेत्र के छोटी बिहार से दो लड़कियों को अपहरण करके दो लड़के ले गए थे, जिसकी FIR थाना इज्जत नगर में दर्ज की गई थी, मगर दो माह बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। पुलिस दोनों लड़कियों को बरामद करने में और आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित हुई है। अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वहीं अब अगवा की गई लड़कियों के पिता ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से रो रो कर फरियाद की है और इंसाफ दिलाने में मदद करने की गुहार लगाई है। करनी सेना ने जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ योगी की सरकार माँ बेटियों की सुरक्षा के लिए एक मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बरेली में एक घटना सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लाख कोशिशें कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, पर एक सनसनी से एक मामला जो है थाना इज्जत नगर के अंतर्गत आया है। यहाँ के बाबा जी हैं, वो रहने वाले हैं, उनकी दो बेटियों को जो नाबालिग हैं, आज से दो महीने पहले दो लड़के जो हैं उनको जबरन बंदी बनाकर ले गए, जैसे बाबा का कहना है। इसकी शिकायत इन्हें शासन व प्रशासन को की, परंतु इन्हें निराशा ही हाथ लगी। अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।